नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलवर की। अलवर के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में एक आठवीं की छात्रा से गैंगरेप और अश्लील वीडियो बनाकर 9 महीने तक रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। 8 आरोपी युवकों ने उसकी अश्लील फोटो होने का झांसा देकर बुलाया और फिर जबरन अश्लील वीडियो बना लिया, इसको वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किया और उससे रुपये ऐंठ लिए। आपको बता दें कि करीब 50,000 रुपए देने के बाद भी पीड़िता रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। मामले का खुलासा होने पर बुधवार को पीड़िता के भाई ने 8 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और आईटी एक्ट में थाना किशनगढ़ में मामला दर्ज कराया है और फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया है कि घटना के संबंध में अरबाज, जावेद, मुस्तकीम, तालीम, सलमान उर्फ छोटे लाल, अक्रम, साहिल के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया। तो वीडियो को वायरल कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। अलवर में वीडियो बनाकर छात्रा से 9 महीने तक गैंगरेप का ये मामला सामने आया और अब आपको जानकारी दे दें कि पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट चुकी है। आरोपियों ने पीड़िता से लाखों रुपए की मांग की और जब पीड़िता इंतजाम नहीं कर पाई तो वीडियो को वायरल कर दिया और इसके बाद आपको बता दें कि मामले का खुलासा होने पर बुधवार को पीड़िता के भाई ने 8 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और आईटी एक्ट में किशनगढ़वास में मामला दर्ज कराया है और अभी अपडेट ये कि गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस की जो टीम है वो लगी हुई है। अरबाज, जावेद, मुस्तकीम, तालीम, सलमान उर्फ छोटे लाल, अक्रम, साहिल के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला दर्ज कराया गया है। तो अलवर से खबर सामने आई है जहां पर 8वीं की छात्रा से गैंगरेप और अश्लील वीडियो बनाकर 9 महीने तक रुपए ऐंठने का ये मामला सामने आया।